चीजों को अमेजिंग बनाएं, आइडियाज की दुकान लगाएं, बड़े बड़े आइडियाज करेंगे लोन। एक्साइटमेंट में नाचे गाना लोन, आइडियाज भरे ऐसी उड़ान, मस्ती में छू लेंगे आसमान। हाय दोस्तों, आ गया आपका प्यारा सा लल्लन टॉप लालोन करने मस्ती और धमाल इस आर्ट रूम में। अटकन मटकन दही चटोकन बड़े काम का होता ढक्कन, बॉटल से पानी गिर जाए, पेट्रोल भाप बन के उड़ जाए, सोचो कितनी आफत आए अगर नहीं होता ऊपर में ढक्कन। ये ढक्कन जो है बहुत काम की चीज है ना, तो बोलो अटकन मटकन दही चटोकन बड़े काम का होता ढक्कन। तो क्या आज हम ढक्कन बन जाएंगे? नहीं नहीं, आज हम ढक्कन से ही बनाएंगे क्या, एक हिप्पो और एक इल्ली। इसके लिए लेंगे बॉटल कैप्स, फेल्ट, पाइप क्लीनर्स, छोटे बड़े गुगली आईज। पहले लेंगे ये बॉटल कैप्स यानी कि ढक्कन और इसको कर देंगे कलर। इससे बनेगा कैटरपिलर यानी कि इल्ली और इससे बनेगा हिप्पो। तो चलो करते हैं कलर। इसमें व्हाइट मिलाएंगे, इसको ग्रीन कलर कर लेंगे, अंदर से भी कलर कर देते हैं। ये कलर हो गया है, इसे ड्राई होने के लिए रख देते हैं। अब इसे करेंगे ये बैंगनी कलर, इसमें भी व्हाइट मिलाएंगे और इसमें बनेगा हिप्पो। ये जो हिप्पो है ना, ये बहुत भारी होता है, लगभग 2700 किलो। बाप रे। अब इसे भी सेम कलर करेंगे। ये दोनों में कलर कर दिया है, अब इसे करते हैं ड्राई। तो गाना गाए, ड्राई हो जा, ये वाला नहीं, ड्राई। ये ड्राई हो गया है, अब पहले इल्ली को बना लेते हैं। तो ये दो अलग अलग हरे रंग के पाइप क्लीनर है और फिर मेरे पास ये ब्रश है, ये ब्रश में इसको पकड़ के रोल कर लेंगे। कर दिए रोल, तो ये बन गई इल्ली की बॉडी। अब यहाँ से थोड़ा सा काट लेंगे इसे। अब ये बन गया है, अब इसे यहाँ पे ऐसे करके लगाएंगे। अब ये जो छोटा सा हिस्सा काटा था उसे करेंगे सीधा और फिर इसे भी बीच में से काट लेंगे खचाक, इससे एंटेना लगेगा है ना। चलो लेते हैं रबर ग्लू और ये एंटेना जो है इसे चिपका देते हैं। अब एंटेना नहीं होगा तो टीवी कैसे देखेगा ये। कर दिया, अब आंखें भी लगा देते हैं। ट्विंग ट्विंग गुगली आईज हैं, इसको चिपका देते हैं। अब ये आंखें लगाने के बाद मार्कर लेंगे और यहां पे स्माइल बना देंगे। बन गया अपना कैटरपिलर यानी कि इल्ली। अब इल्ली बन जाने के बाद हम हिप्पो को बनाएंगे और हिप्पो को बनाने के लिए लेंगे दो पाइप क्लीनर और इसे एक दूसरे के साथ ट्विस्ट कर देंगे। ये मुड़ गया है, इसे ऐसे करके रोल कर लेंगे। ये रोल हो गया है, अब दूसरे को भी हम ऐसे करके ट्विस्ट करेंगे।
ये मुड़ गए हैं, अब इसे ऐसे पहले आधा मोड़ेंगे, इसे कट करेंगे खचाक, फिर इसको ऐसे छोटू सा पकड़ के पहले मोड़ेंगे, फिर इस तरफ मोड़ेंगे, फिर वापस मोड़ेंगे, फिर मोड़ेंगे, फिर वापस मोड़ेंगे, तीन बार, तो ये पंजे बन जाएंगे। फिर इसे सीधा कर देंगे। अब सेम इस तरफ भी करेंगे। तो इसमें दो पैर बन गए हैं। अब ये बन जाने के बाद इसको यहाँ पे बीच में लगा के आधा मोड़ देंगे ऐसे, और मोड़ने के बाद यहाँ पे एक बट ट्विस्ट कर देंगे, तो ये दो पैर बन गए, छुटकू छुटकू सा दो पैर। सेम इसे भी करेंगे, बन गए चार पैर, लेकिन ये हिप्पो जैसे तो लग नहीं रहा है अभी लगेगा, ये पीछे में लगेगा ऐसे, और ये सामने में लगेगा। ये हो गया सामने वाला हिस्सा, और ये हो गया पीछे वाला हिस्सा। अब हम लेंगे ये फेल्ट को, इसमें से एक छोटा सा हिस्सा काटेंगे, और इसमें हिप्पो का मुंह ड्रॉ करेंगे। ये ड्राइंग कर लिया है, इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और काट लेंगे, और ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसके ऊपर हम मार्कर से यहाँ पे नाक बना देंगे, और यहाँ पे एक हंसता हुआ चेहरा। अब इसे यहाँ पे चिपकाएंगे, और साथ में आँखों को भी चिपका देंगे। कान भी काट लें, चलो कान भी बना देते हैं। कान भी काट लिया है, अब इसमें भी ऐसे एक लाइन लगा देते हैं। अब चलो सबको चिपकाते हैं। ये ग्लू लगाया, यहाँ पे ग्लू लगाया, और यहाँ पे ग्लू लगाएंगे। अब पहले नाक और मुंह चिपका देते हैं यहाँ पे, फिर आंखें, अब लग रहा है ना हिप्पो। ये देखो कितनी जल्दी बन गया ये हिप्पो और इल्ली, और देखने में भी कितने क्यूट लग रहे हैं, है ना? तो चलो बनाओ ऐसे ही ढक्कन से हिप्पो, इल्ली या और दूसरा कैरेक्टर, और ढक्कन संभाल के रखना, क्योंकि अटकन मटकन दही चटोकन बड़े काम का है ये ढक्कन। चलो बनाओ ढक्कन कलेक्ट करके। हिप्पो और इल्ली तो बन गए हैं, है ना? तो मैं देख के आता हूँ पेड़ में इल्लियां हैं कि नहीं। तो तब तक आप क्या करोगे? तो एक टंग ट्विस्टर ले लो। तो टंग ट्विस्टर ये है, अ कैट सॉ अ कैटरपिलर क्रॉलिंग ऑन अ पिलर। बोलो पांच बार, धीरे धीरे नहीं, जल्दी जल्दी, तब समझ में आएगा। हाय दोस्तों, मैं फिर से आ गया करने मस्ती और धमाल इस आर्ट रूम में। तो एक कहानी हो जाए। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, और लोमड़ी का नाम था चोमड़ी। अब चोमड़ी को ये आदत थी कि वो जाती थी गांव में, और जाके किसी के घर में घुस के चोरी करके खाती थी। अब गांव में थी एक बुढ़िया। अब बुढ़िया हमेशा जामुन लेके घर में रखती थी, और रात को चोमड़ी आके वो जामुन चोरी से खा जाती थी। अब बुढ़िया को लगा कि कुछ तो करना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया पता है? रोटी सेकने वाले तवे को किया गरम, और रख दिया जाके जामुन के पास। अब चोमड़ी आई जामुन चुराने, तो जैसे ही जामुन उठा के खाने के लिए बैठी, तो
जल गई लोमड़ी की दुमड़ी और चोमड़ी तुरंत करके चिल्लाई और बस वहां पे आ गई बुढ़िया दादी और बोली ही खाओ और जामुन। तो लोमड़ी यानी कि चोमड़ी उसने कान पकड़ी और बोली मैं नहीं खाऊंगी ऐसे चोरी करके जामुन। दुमड़ी तो जल गई थी और वो भाग गई। है ना मजेदार कहानी। तो एक काम करें बनाए यहाँ पे ही चोमड़ी को, लेकिन पूछ ठीक ठाक रहेगा, है ना। तो चलो बनाते हैं चोमड़ी को यानी कि एक लोमड़ी। इसके लिए लेंगे कार्डबोर्ड रोल, एक सफेद कागज भी ले लेंगे। पहले लेंगे ये कार्डबोर्ड रोल को, ठीक है, और इसे यहां से ऐसे से दबा के पिचका देंगे, इधर से भी पिचका देंगे ऐसे करके। ये पिचक गया है और ये साइड में दो कान बन गए हैं। अब ये बन जाने के बाद हम इसे लेंगे और इसमें ड्रॉ करेंगे पूंछ। ये ड्राइंग हो गया है, अब इसे काटेंगे। काटने के लिए लेंगे कटर, और जब कटर इस्तेमाल कर रहे हो तो बड़ों का होना जरूरी है। ये कट गया है, अब कटिंग का काम हो गया है भाई, अब कलर तो करना ही पड़ेगा। तो चलो लेते हैं कलर। पहले व्हाइट लेते हैं और इसके ऊपर एक व्हाइट कलर का कोट लगा लेते हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि ये लोमड़ी जो है ना ये बहुत चालाक और चतुर होती है, लेकिन ये चोमड़ी एकदम जो है चालाक नहीं है। उसको पता ही नहीं चला ये कुर्सी नहीं तवा था। ये कलर हो गया है, इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे और फिर इसमें भी लगे हाथ कलर कर ही देते हैं। ये जो व्हाइट है इसके साथ मैचिंग नहीं है, इसलिए कर रहा हूं। ये कलर हो गया है, अब इसे करते हैं ड्राई। ये ड्राई हो गया है, अब इसके ऊपर हम करेंगे ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज कलर ले लेते हैं, अब इसके ऊपर पूरा ऑरेंज नहीं करेंगे, ऊपर में व्हाइट छोड़ देंगे और नीचे में ऐसे ऑरेंज कलर कर देंगे। इस तरफ भी ऐसे ही करेंगे। ये ऑरेंज कलर लगा दिया है, अब इसे ड्राई होने के लिए रखते हैं और इसे भी कर देते हैं ऑरेंज कलर। कलर हो गया है, अब इसे ड्राई होने के लिए रख देते हैं। ड्राई। अब ये दोनों ड्राई हो गए हैं, अब इसे यहां पे चिपका देंगे। चलो लेते हैं ग्लू और चिपका देते हैं। तो क्या है, पूछ लग गई है। अब मुंह बनाएंगे। मुंह बनाने के लिए लेंगे ये व्हाइट कागज और इसमें एक हार्ट शेप काट लेंगे। ये कट गया है, अब ऐसे ब्लैक कलर का पेन लेंगे और आंखें बनाएंगे। मुंह बना देंगे, अब इसे चिपका देते हैं। ग्लू लगा लिया है, अब इसे यहां पे चिपका देंगे। ये चिपक गया है और ये बन गई है हमारी लोमड़ी, जो नहीं है चोमड़ी, क्योंकि ये अच्छी वाली है ना। तो चलो आप भी बनाओ ऐसे ही लोमड़ी और सुनाओ चोमड़ी की कहानी। तो चलो बनाओ।
लोमड़ी बन गई। अब लेते हैं ब्रेक, लेकिन उससे पहले एक जीप फुदकड़ी जो जीप को खड़का दे, है ना। और टंग ट्विस्टर ये है, खड़खड़ाता खड़क सिंह, खड़काता है खिड़कियां, खिड़कियां भी खड़काती है खड़खड़ाते खड़क सिंह को। बोलो पांच बार, खड़खड़ा जाओगे। म्याओ म्याओ, मैं आ गया फिर से करने मस्ती और धमाल। तो एक कहानी हो जाए। ये कहानी है एक बिल्ली और कौवे की। एक थी बिलैया रानी, उसे एक रोटी दिख गई, मीठी रोटी। अब जैसे ही उसको लेने के लिए गई तो एक कौवा आया और लेके उड़ के चला गया एक ऊंचे पेड़ के डाल के ऊपर और वहां पर जाके बैठ गया। लेकिन बिलैया रानी वो तो थी सियानी, वो भी गई और पेड़ के नीचे बैठ गई और बोलने लगी कि कौवा जी, आप कितने फुर्तीले हो, वाह आपका रंग, क्या बात क्या बात, इतना अच्छा है कि आपको तो पंछियों का राजा होना चाहिए। और आपकी आवाज कितनी अच्छी है, वाह 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 वाह, आप तो कोयल से भी अच्छे गाते हो। कौवे जी, महाराज एक गाना सुना दीजिए। तो कौवा ये सब सुन के फूल के कुप्पा हो गया था। अब जैसे ही गाने की रिक्वेस्ट आई तो उसने आ आ गाने के लिए गया, लेकिन का निकला और जैसे ही मुंह खोला तो टप से रोटी नीचे गिर गई। और बिलैया रानी वो रोटी लेके वहां से भाग गई और कौवा का का करते रह गया। है ना मजेदार कहानी। एक काम करे, आज हम बिलैया रानी को बनाएं। तो चलो बनाते हैं बिलैया रानी को। और किससे बनाएंगे? आइसक्रीम स्टिक से। तो ये होगा आइसक्रीम स्टिक कैट। इसके लिए लेंगे आइसक्रीम स्टिक्स, कुछ पतली और एक मोटी, और पाइप क्लीनर्स। पहले लेंगे ये आइसक्रीम स्टिक्स, है ना, और इसे हम काट देंगे। कैंची लेंगे और इसे ऐसे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। तो ऐसे ही चार काटेंगे। ये चार हो गए पैर और ये हो गई इसकी बॉडी, है ना। ये यहां से काट देंगे, ठीक है। अब बिलैया रानी जो है हेल्थ की बहुत ध्यान रखती है, इसलिए बहुत स्लिम ट्रिम है। कट गया है। अब ये जो छोटा सा टुकड़ा है इसमें से निकालेंगे कान। ये कान, ये दूसरा कान। तो मुंह कहाँ है? मुंह बनेगा इससे। अब इसे पहले इतना काट लेंगे। अब काटने के बाद इसके ऊपर ऐसे ओवल शेप बनाएंगे। बन गई। अब इसे काट देंगे। इसे काटने के बाद हम ये पेपर लेंगे, सैंड पेपर, और इसे शेप में ला देंगे, ठीक है। ये घिस गया और ये इसका फेस बन गया, ठीक है। और पीछे में कान आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। लेकिन इसे अब हम चिपकाएंगे, है ना। तो चलो चिपका देते हैं। इसे ड्राई होने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। ड्राई हो जाओ, गाना सुनोगे? चलो इसे गाना भी सुना देते हैं। ड्राई ड्राई ड्राई। ये चिपक गया है, है ना। अब इसके ऊपर कलर करते हैं, है ना। तो चलो लेते हैं कलर। अब
अब इसको हल्दी लगा देते हैं। ये कलर कर दिया है, चलो कलर हो गया है, अब इसे ड्राई करते हैं, ठीक है? ड्राई, ये ड्राई हो गया है ना? अब इसके ऊपर हम स्केच पेन से कुछ लाइंस बना देंगे। तो ये कलर तो कर दिया है, अब ब्लैक पेन लेंगे और आंखें बनाएंगे, एक नाक बनाएंगे और मुस्कान बना देंगे ऐसे, ठीक है? कलर हो गया है। अरे इन पूंछ कहाँ है? अरे पूंछ तो बनाए नहीं, चलो बनाते हैं पूंछ। ये दो कलर को हम ऐसे करके ट्विस्ट करेंगे, बस हो गया पूंछ। अब इसे काट देते हैं, ठीक है? अब इसे यहां पे चिपका देते हैं। ये चिपक गया है और ये बन गई हमारी बिलैया रानी। बनाओ ऐसे ही बिलैया रानी और सुनाओ लोगों को कौवे और बिल्ली की कहानी। मुझे एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। ऐसा कौन सा जानवर है जो घर के अंदर आने के लिए परमिशन मांगता है? कौन सा? बिल्ली है ना, बोलती है ना, म्याओ, मैं आओ। अब मैं जाऊं, जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि वक्त हो गया है ना? तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। आम चीजों को अमेजिंग बनाए, आइडियाज की दुकान लगाए, बड़े बड़े आइडियाज करेंगे लॉन्च। एक्साइटमेंट में नाचे गाना लो, आइडियाज पर ऐसी उड़ान, मस्ती में छू लेंगे आसमान।